Assalamualaikum। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जाने वाला हूँ आसनसोल, तो फैमिली के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई का शादी बहुत ही करीब है। तो इसके लिए हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं आसनसोल। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग भी कर लेते हैं वहाँ पर, थोड़ा छोटा मोटा ब्लॉग। तो चलिए, अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, तो तैयार हो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाड़ी पर, मतलब कार पर, क्योंकि आज मैं बाइक से नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि पूरा फैमिली एक साथ जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए आज इस कार राइडिंग को भी एंजॉय करते हैं। Hey guys, welcome back and I'm ready for the journey। So गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फटाफट से निकलते हैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर। Guys, अभी हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अभी पंडेसर क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट से पंडेसर क्रॉस कर लेते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग हरिपुर क्रॉस कर चुके हैं और जीटी रोड के बहुत ही करीब है। और अभी तो हम लोग NH60 पर चल रहे हैं, लेकिन जीटी रोड मतलब बहुत ही करीब है। तो चलिए जीटी रोड पर उठते हैं, उसके बाद वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं जीटी रोड पर, मतलब यहाँ से आसनसोल थोड़ी दूर में है। तो अभी जीटी रोड का लोकेशन आप लोग इंजॉय कीजिए।
दोस्तों फ़िलहाल हम लोगों का जो है शॉपिंग फ़िलहाल कंप्लीट हो चुका है और मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं आ गया गाड़ी के पास और मैंने अम्मी अब्बू से कह दिया कि आप लोग शॉपिंग कीजिए, मैं तब तक गाड़ी में आप लोगों का इंतज़ार करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान है। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ था और रोड भी बहुत ही जैम थे, तो क्योंकि आसनसोल है यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और माशाल्लाह अभी नाइट लुक जो है आसनसोल का तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि आसनसोल का जो नाइट लुक है वो कितना अच्छा लगता है। और अभी तो मैं मतलब बाज़ार के अंदर हूँ और मेन आसनसोल में ही हूँ अभी, तो जब रोड पर जाऊंगा तो रोड का जो लोकेशन है और व्यू है सीनिक व्यू वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलते हैं रोड पर और अभी वेट करते हैं कि अम्मी अब्बू जल्दी से आ जाए। Can't wait the sun to shine, lift the sails and follow my own tide, yeah. And there's a screaming in there, I'm telling me to leave for a while. दोस्तों फिलहाल हम लोग जीटी रोड पर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और घर जा रहे हैं, अभी जीटी रोड पर है। तो चलिए वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं और सिनेमैटिक शॉट आप लोग देखिए। Yo guys, welcome back to the home. तो मैं घर आ चुका हूँ अभी और फिलहाल अभी अभी घर पहुँचा और बहुत ही थक चुका हूँ, तो चलिए घर के अंदर चलते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जो मज़ा मतलब जो राइड करने में मज़ा बाइक में है वो कार में कहाँ। तो चलिए अभी घर के अंदर चलते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम के अंदर और आज का जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और बहुत थक चुके हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जो मज़ा बाइक में है वो कार में नहीं आया, लेकिन फैमिली के साथ मज़ा वो तो अलग है। और मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे कुछ फ़ोटो अपलोड किया है, जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। अगर पसंद आए आईडी तो फॉलो भी कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है देसी बाय कर आबिद, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और यहाँ पर स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो जाकर फॉलो कर सकते हैं, आईडी चेक कर सकते हैं, कुछ भी करिए लेकिन जाइए और देखिए फ़ोटो। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।